गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, आज की हेडिंग है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कि हम कॉमन सॉल्ट की हेल्प से कितने सारे केमिकल्स बना सकते हैं। देखिए, कॉमन सॉल्ट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग मेनी केमिकल्स। वी विल नाउ डिस्क्राइब द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट केमिकल्स। ध्यान रहे, जितने भी केमिकल्स पढ़ेंगे ये टोटल केमिकल्स के नंबर नहीं है, इसके बावजूद भी बहुत सारे केमिकल्स में इनका यूज होता है, लेकिन आप कुछ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड दो जार सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट वन इज सोडियम कार्बोनेट, दैट इज वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। इन तीन के बारे में हम काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला हेडिंग क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप हेडिंग इसको बनाने के बाद इसमें आप लिखेंगे हमें कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं, इन तीनों का नाम आप लिख लेंगे। यहाँ तक कर सकते हैं, हाँ, ताकि आपसे कभी कोई पूछ ले कि सोडियम क्लोराइड से आप कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। पहला कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, डैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लस वॉशिंग सोडा, डैट इज सोडियम कार्बोनेट। चलिए, आज की हमारी हेडिंग है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्टिक सोडा। आइए देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल। हाँ, ये बेस है, क्यों? क्योंकि जब इसको वाटर में हम मिक्स करते हैं तो हमें वहाँ से क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन्स, यानी कि OH- माइनस की कंसनट्रेशंस बढ़ती हुई देखते को मिलती है। ये OH- माइनस जो आयन्स है ये कौन प्रोड्यूस करता है, बेस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच इज यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग मेनी अदर केमिकल्स, इज यूज इन द इंडस्ट्रीज एंड हैंस प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। हाँ, कॉस्टिक सोडा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि कॉस्टिक सोडा की यूज करके हम बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स भी बनाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो वहाँ और भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पहले तो हम क्या पढ़ लें, अब प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हमें कॉस्टिक सोडा अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए, द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, यानी कि अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज कॉल्ड ब्राइन। हाँ, जब आप सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं और सॉल्ट के अमाउंट ज़्यादा रखते हैं, तो उस केस में जो सॉल्यूशन मिलता है आपको उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। क्या कहते हैं, ब्राइन, दैट इज नोन एज ब्राइन। तो एक्चुअली जब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, ब्राइन, यानी कि एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। हाँ, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें वहाँ से क्या मिल जाता है, सोडियम। क्लियर है? फिर वो सोडियम क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कॉस्टिक सोडा। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए ये चीज, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो एक्वस फॉर्म बन गया, इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसकी इलेक्ट्रोलिसिस काफ़ी अच्छे से सिखाई जाती है। अभी हम आपको थोड़ा सा ट्राई करते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। देखिए, जब हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन
और क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है तो वाटर भी रहा होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस भी आपको मिल जाती है। अब जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्लोरीन आयन तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन गैस में, यानी कि Cl2 गैस मिल जाएगी एक हमें। दूसरी गैस जो हमें पहले से मिल रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये ब्रेक होके क्या देता है हमें, H प्लस प्लस OH माइनस, देखा ना। तो देखिए ये जो OH माइनस है दिस विल रिएक्ट विथ सोडियम Na प्लस और ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। यानी कि हमें प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, H2 मिलेगा और Cl2 मिलेगा। कर सकते हैं, चलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जैसे आप क्लास 12th में जाएंगे आपको इलेक्ट्रोलिसिस काफ़ी अच्छे से डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आपको इस इक्वेशन को याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम कॉस्टिक सोडा बनाते हैं। एक्चुअली होता क्या होगा, सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन अलग अलग होते होंगे, जो सोडियम है वो वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा होगा, क्लोरीन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रही होगी और हाइड्रोजन गैस भी हमें वहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अब इतना लिखने के बाद आप इसको बैलेंस कर देंगे, आपका रिएक्शन रेडी हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, क्लियर है। देखिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, हाँ एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलती है, क्लोरीन गैस। एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। वेयर एज हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, जो कि क्या होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। अब क्योंकि सोडियम का आयन उसके अंदर ही रह गया तो वो क्या करता है, कैथोड के पास में यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके पास में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन क्लोरीन हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड सेपरेटली। आपको इतना नहीं लिखना है, आपने बस यहीं तक लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों, क्लोर का मतलब हो गया क्लोरीन, अल्कली का मतलब हाँ वाटर सोल्यूबल बेस। ध्यान से देखिए हमें यहाँ से क्लोरीन गैस मिली, क्या मिल गई, ये जो बेस है वो किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, यानी हम इसको क्या कहेंगे, अल्कली, इसीलिए हम इसको नाम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म। और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, द थ्री वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कॉल्ड ब्राइन आर क्लोर अल्कली प्रोसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो कुछ नहीं है, ये ऊपर वाले रिएक्शन को ही वापस से लिखा गया है, ठीक है। ऊपर वाले रिएक्शन से आप देख के बता सकते हैं आपको सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस कराने से आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, यही चीज़ वहाँ भी लिखा हुआ है। दिस थ्री प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ यूजेस, और ये जो तीन प्रोडक्ट हैं इन तीनों प्रोडक्ट्स का काफ़ी ज़्यादा यूज है, कॉस्टिक सोडा हो, बेकिंग सोडा हो या वॉशिंग सोडा हो, सबका यूज है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्टिक सोडा की, तो कॉस्टिक सोडा की काफ़ी यूजेस हैं, हाइड्रोजन गैस के भी काफ़ी यूजेस हैं, प्लस क्लोरीन गैस का भी काफ़ी यूज है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे इनका क्या क्या यूज है। सो पहली हेडिंग आप बनाएंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, आप यहीं पर ऐड कर लीजिएगा, या कॉस्टिक सोडा। देखिए पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज रेयन, यानी कि कई सारे कपड़े हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं,
उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉस्टिक सोडा का यूज किया जाता है। थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर बनाने में भी काम आता है। नेक्स्ट हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। हाँ, ये एसएसटी का थोड़ा सा पार्ट है, खैर आप यहाँ जानते रहिए। कई बार क्या होता है, जब हम अंदर से माइनिंग करते हैं तो हमें पूरी की पूरी ओर मिलती है, ओर का मतलब एक बड़ा सा चट्टान मिल जाता है जो कि मेटल्स का होता है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसको ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर। जब हमें बॉक्साइट का ओर मिलता है तो उसमें से एल्यूमिनियम मेटल को अलग करने के लिए भी हम कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, वो क्या होता है, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? क्लास 12th में। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन डीग्रीसिंग मेटल्स। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा कि फ्रिक्शन कम करने के लिए हम ग्रीस लगाते हैं, हाँ, ताकि फ्रिक्शन कम रहे, चीज़ें स्मूथ चले। अगर ग्रीस लग गया और हमें उस ग्रीस को हटाना है तो उसके लिए भी हम कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं, ऑयल रिफाइनिंग में यूज करते हैं, एंड मेकिंग डाई एंड ब्लीचेस। हाँ, डाई और ब्लीच बनाने में भी हम इनका यूज करते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूजेस ऑफ क्लोरीन, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए, क्लोरीन इज यूज टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अब हम क्लोरीन वाटर का यूज किस लिए करते हैं? प्यूरीफाई करने को। स्टेरिलाइज का मतलब प्यूरीफाई करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए, यानी कि उसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज हैं तो उसको प्योर करने के लिए, या फिर स्विमिंग पूल का जो पानी है, हम बार बार वो पानी फेंक तो सकते नहीं हैं, उसको प्यूरीफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। दिस इज बिकॉज क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट विच किल जर्म्स लाइक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक्स इट सेफ। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्लोरीन में क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट पाया जाता है, यानी कि वो ऐसे जर्म्स जो कि आपको बीमार कर सकते हैं उनको मारने का वो काम करते हैं। सेकेंड, क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, ब्लीच करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। थर्ड देखिए, क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है तो आप देख के बता सकते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। उसमें क्लोरीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ही, तो वहाँ भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लोरीन इज यूज टू मेक प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, पेंट्स एंड डाई स्टफ। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को भी बनाने में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोरीन इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग सच एज ट्राईक्लोरोइथेन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी एक टर्म आपको मिल गया, क्लोरो मिल गया ना, क्लोरो, यानी कि क्लोरीन इसमें होगा। तो ड्राई क्लीनिंग जो होती है उसमें ट्राईक्लोरोइथेन यूज किया जाता है, और ट्राईक्लोरोइथेन के प्रोडक्शन में क्लोरीन का यूज किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ क्लोरीन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट यूज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, पहला, हाइड्रोजन इज यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स कॉल्ड वेजिटेबल घी और मार्गरीन। घी, वेजिटेबल घी जिसको डालना बोलते हैं, या मार्गरीन, इनको प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ, यानी कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से इनको प्रोड्यूस करने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं, पहला। दूसरा, हाइड्रोजन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए ना, तभी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब दोनों एक साथ कंबाइन होंगे तभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। देखिए, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। अमोनिया क्या होता है? NH3। तो देखिए, हाइड्रोजन आ गया ना, तो हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक मिथेनॉल। हाँ, मिथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बारे में आप डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, आई थिंक चैप्टर 4th में है, ठीक है। तो उसमें भी आपका हाइड्रोजन का यूज होता है। अब सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, तो हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए फिर तो। नेक्स्ट है, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स।
रॉकेट्स में जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो ऐसा नॉर्मल डीजल, केरोसिन या पेट्रोल नहीं होता, वहाँ पे क्या यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन की कम्बस्टन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए। द टू प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कम्बाइंड टू फॉर्म अनदर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम उसकी भी यूजेस को पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम ऑफ द यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर टीन प्लेटिंग और गल्वनाइजेशन। हाँ, यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर कोटिंग चढ़ाने के पहले हम उसको साफ करते हैं, और उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। सेकेंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड सच एज अमोनियम क्लोराइड, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यूज करना पड़ता है, जो कि कहाँ यूज होती है, ड्राई सेल्स, जो बैटरी होती है ना, हाँ वो बैटरी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन टेक्सटाइल्स, डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्रीज। अब टैनिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो स्किन रिलेटेड काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन मेकिंग प्लास्टिक्स लाइक पॉलीविनल क्लोराइड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक यूज अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी लिख सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखिए, द टू प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अनदर केमिकल कॉल्ड सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब क्लोरो अल्कली प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन एक साथ कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम है उसका, सोडियम हाइपोक्लोराइट। फॉर्मूला क्या होता है, NaClO। सोडियम हाइपोक्लोराइड इज अ ब्लीचिंग एजेंट विच इज यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड ब्लीचेस एंड फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक्स। आप ये भी ये नोट पॉइंट करके लिखेंगे ना, ये इसके यूज नहीं है, ये उसके बाहर में है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।